नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में आज के दिन लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली। इस तेज़ी को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों उनके मन में डाउट आता है कि इस स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों है, अभी बाइंग करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को हो सकता है कि बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में ऑलरेडी फंसे भी हैं, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे और अभी बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए इससे रिलेटेड बात करेंगे। और कंपनी जो है कि 21 रुपए का डिविडेंड पे करेगी दोस्तों, जिससे रिलेटेड भी हम आगे बात करेंगे। और कंपनी दोस्तों कुछ न्यूज भी है जिसको भी हम कवर करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाए। सबसे पहले दोस्तों न्यूज की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मास की बात करते हैं दोस्तों। तो ये जो है कि इनको US हेल्थ रेगुलेटर की बात करें जो कि ग्रांटेड अप्रूवल दे दिया है। कितना दोस्तों, यहां पर हाइड्रोक्लोराइड जो दवा है दोस्तों, इसमें 75 mg, 150 mg से लेकर के 300 mg तक जो है कि अप्रूवल मिल गया है। उसी के कारण दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर आज के दिन देखेंगे तो ग्लेनमार्क फार्माक्यूटिकल में तो आज के दिन आपको 2% की तेज़ी देखने को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों ग्लेनमार्क फार्माक्यूटिकल की बात करें तो सारा न्यूज़ दोस्तों आपको उसी से रिलेटेड मिलेगा, जो कि मंजूरी परमिशन जो है कि इनको मिल गया है API सेगमेंट से। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 21 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। कौन दोस्तों? ग्लेनमार्क। शेयर जंप जो है कि API मार्केट क्लियर दोस्तों, मतलब 1050% का जो डिविडेंड पे आउट करे। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है दोस्तों, वो जो कि ग्लेनमार्क फार्मा इसकी पेरेंट्स कंपनी कह सकते हैं, प्रमोटर कह सकते हैं, पेरेंट्स कंपनीज नहीं कह सकते दोस्तों, प्रमोटर आप कह सकते हैं। हाँ, ऐसे में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी में 5% की तेज़ी देखने को मिली है। इस कंपनी की अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी जो है कि 21 रुपये का डिविडेंड पे करेगी, जो कि 24 मार्च को इसका जो है कि एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आप कह सकते। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि एक साल में ये कंपनी लगभग 12% डाउन है, और अगर 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में ये कंपनी 45 से 50% के आसपास डाउन है। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि इसका आपको जो चार्ट है दोस्तों लंबा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी कंपनी देखा जाए तो रिसेंट में ही इस कंपनी का भी IPO आया था दोस्तों 2021। सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। थोड़ा सा हम क्या है कि बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी 5 अप्रैल 2022 को ये कंपनी 534 रुपये का हाई लगाती है, जो कि देखा जाए लो तो कंपनी का 28 सितंबर 2022 को ये कंपनी 370 रुपये का लोच कर लगाती है। वैल्यूम की बात करते हो तो इस स्टॉक में देखा है तो 3.5 लाख 4 लाख टोटल शेयर NSE पर ट्रेड हुए, जिसमें 45% माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जैसा कि डिविडेंड से ही रिलेटेड जो है कि यहाँ पे डेट बताया गया है, जो कि अगर एक्स डेट की बात करते हैं, रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो कि कंपनी ने कितना यहाँ पे 21 रुपये का डिविडेंड दोस्तों 16 मार्च को जो कि पे आउट, मतलब जो कि 16 मार्च दोस्तों जो कि इसका मतलब कल के दिन की बात करें तो कल के दिन का न्यूज है दोस्तों। कंपनी की अगर रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों जो कि 24 मार्च को जो कि कंपनी का एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसके अगर इस यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो कितना है 82% का। मतलब दोस्तों आपको पता है कि बीच में हमने पतंजलि फूड से रिलेटेड जो है कि न्यूज़ देखा था कि रामदेव बाबा का जो कि मिलियंस में शेयर दोस्तों सेबी ने फ्रीज कर दिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि उनके पास 80% का स्टेक था और मार्केट के रेगुलेटरी के हिसाब से जो है कि 75:25 जो है कि 25 का रेशियो फुल फिल करके चलना होता है। तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी से भी थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है कि इस स्टॉक में अगर तेजी आती है तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आपको नोट करके चलना है कि 82% का स्टेक प्रमोटर के पास है, जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में सेल होते हुए दिख सकता है। जैसे कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस सब्सिडरी ऑफ ग्लेनमार्क फार्माक्यूटिकल, जो कि हमने आपसे पहले ही बता दिया, वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ सेलेक्ट हाई वैल्यू एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंटरग्रेटेड। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये भी कंपनी जो है कि फार्माक्यूटिकल में ही काम करती है दोस्तों, लाइफ साइंस का बिजनेस करती है कंपनी। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी थोड़ा सा एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों, मतलब 5000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 406 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड लो साइड सब देखी लिया, पी की बात करते 11 का है, बुक वैल्यू 175 का है, डिविडेंड कंपनी 5% के आसपास पे करती है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आपको नोट करके चलना है दोस्तों, जैसा कि आज के दिन ही दोस्तों, मतलब कल के दिन ही दोस्तों जो न्यूज़ देखने को मिला कि 21 रुपये का डिविडेंड पे होगा, मतलब दोस्तों बता दें 5% तो कंपनी डिविडेंड ही दे देती है। ROC देखा दोस्तों तो हाई है, मतलब जो कि बेस्ट बात है दोस्तों, फेस वैल्यू 2 का है। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का भी कंपटीटर बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर देखने को मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं ग्लेनमार्क जो है कि बहुत छोटे नंबर पर आती है। अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स में जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों बेसिस पे आप जो है कि फ्लैश
फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन देखा जाए, मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे आप फ्लैट ही कंसीडर कर सकते हैं। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी देखा जाए तो डाउन ही देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर कंपनी के पैनल की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों कंपनी का पैनल देखा जाए तो ठीक ठाक ही है ग्रोइंग मोड में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टीटीएम में ही डाउन देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों के दोस्तों रिजल्ट ही खराब होने के कारण उन कंपनियों की क्या हालत है आप देख सकते हैं। अगर हम कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। अगर हम कंपनी के जो है कि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे दोस्तों, सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे कंपनी का 30% का है तीन साल में। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 30% का है। सीजीआर की बात करें जो कि कंपनी डाउन चल रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते 50 का है। कंपनी में अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो पेरेंट कंपनी है वो दोस्तों बहुत बड़ा है। मतलब आपसे बताना चाहते हैं कि पेरेंट कंपनी के कारण ही इस स्टॉक में देखेंगे तो डेट आपको जीरो देखने को मिलेगा। आप इसको डेट जीरो डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक में जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न ही दोस्तों। अगर इस स्टॉक में तेजी आती है, कोई रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार करता है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा नोट करके चल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बताया कि ग्लेनमार्क फार्माक्यूटिकल आप देखेंगे दोस्तों, जो कि इसका पेरेंट्स कंपनी आप कह सकते हैं, प्रमोटर कह सकते हैं दोस्तों, जो कि पहले जो है कि इस कंपनी का नाम कुछ और हुआ करता था। इसके ऊपर हम कभी डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। अगर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस माल को सेल कर रहे हैं जो कि कई क्वार्टर से सेल कर रहे हैं। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी इस स्टॉक में से मतलब एग्जिट कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक जो है कि इस स्टॉक को एक्युमुलेट कर रही है। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में एक रिस्क बड़ा फैक्टर ही है आगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट है, रिस्की पॉइंट दोस्तों यही है कि इस कंपनी का जो पेरेंट्स है दोस्तों, मतलब जो प्रमोटर है दोस्तों, वो जो कि ग्लेनमार्क फार्माक्यूटिकल है दोस्तों। फार्माक्यूटिकल की बात करते हैं तो आज तक ये कंपनी बहुत पुराने समय से मार्केट में काम कर रही, लगभग 20-22 साल से काम कर रही दोस्तों। अभी तक जो है कि 1600-1700% का रिटर्न बना के दिया दोस्तों। यहाँ पे इस स्टॉक का अगर चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो बहुत ऊपर जाने के बाद दोस्तों आज कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, मतलब बताना चाहते हैं कि ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है दोस्तों, रिस्की ग्रुप को भी बिलोंग करता है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में फंसे हैं, तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते दोस्तों, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी 45-46% डाउन है, 50% डाउन है, तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं दोस्तों। इस समय जो है कि एक फार्मा सेक्टर ही जो कि डाउन चल रहा है। रही बात इस कंपनी के रिस्क पॉइंट की, रिस्की पॉइंट में दोस्तों इसमें जो है कि ओएफएस सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट है। मैनेजमेंट की बात करें जो कि ग्लेनमार्क फार्माक्यूटिकल है, तो वो भी हो सकता है थोड़ा सा क्या है कि जैसा उसके शेयर से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। इस कंपनी की बात करें तो ये भी जस्ट अभी भी मार्केट में कंपनी आई हुई है। हाँ दोस्तों, ऐसे में बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ग्लेनमार्क फार्माक्यूटिकल में दोस्तों जिस प्रकार से एक्टिविटीज होगी, तो इस स्टॉक के ऊपर भी थोड़ा सा एक इफेक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। दूसरा, अगर जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है, स्टॉक 300 तक आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करते हैं दोस्तों, तो जल्दी ये स्टॉक 500 के लेवल को टच कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।